हु इज द ऑथर ऑफ द नेकलेस, पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द नेकलेस, द नेकलेस स्टोरी का लेखक का नाम क्या है। ये तो बहुत ही सिंपल है, गाय डी मॉपसेंट इज द ऑथर ऑफ द नेकलेस। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज एम लुइजल प्रोफेशन, एम लुइजल्स का प्रोफेशन क्या था। ही वर्क्स फॉर द बोर्ड ऑफ एडुकेशन, ये क्वेश्चन राजस्व कर्मचारी के एग्जाम में आ भी चुका था कि ही वर्क्स फॉर द बोर्ड ऑफ एडुकेशन। एम लुइजल का प्रोफेशन था कि वो बोर्ड ऑफ एडुकेशन में काम करता था। तो ये खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, हु डज मॉपसेंट से बिलोंग्स टू नो कास्ट। मॉपसेंट इस कहानी के लेखक ने किसे कहा कि वो कोई कास्ट से बिलोंग नहीं करता। तो याद करिए, उसने वुमेन को कहा था कि वो कोई कास्ट से बिलोंग नहीं करती है। उसके बोलने का तरीका, उसकी चंचलता उसे एक स्लम गर्ल से एक हाईएस्ट लेडी बना सकता है। इन व्हाट कंट्री डज द नेकलेस टेक प्लेस, कौन से कंट्री में द नेकलेस लिखा गया था, या फिर वो कहानी के लेखक कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। तो वो फ्रांस से। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रिक अ ब्रैक, ब्रिक अ ब्रैक का क्या एग्जांपल है। एक फ्रेंच वर्ड है ब्रिक अ ब्रैक, जिसका मतलब होता है स्मॉल वेस। हाउ डज एम लुइजल एक्सपेक्ट एम एम लुइजल टू फील व्हेन ही ब्रिंग्स होम द इनविटेशन। मिथाइल के पति ने जब कार्ड, इनविटेशन कार्ड घर लेकर आया, तो उन्होंने क्या सोचा कि उसका क्या रिएक्शन होगा, उसकी पत्नी का क्या रिएक्शन होगा, मतलब कैसा वो फील करेगी। तो वो सोचा कि वो क्या होगी, प्लीज्ड होगी, खुश होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, प्लीज्ड। हाउ डज द एम एम ई लुइजल रिएक्ट व्हेन शी सीज द इनविटेशन। एम एम ई लुइजल ने, मतलब मिथाइल लुइजल ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने इन्विटेशन को देखा। मिथाइल लुइजल ने कैसे रिएक्ट किया जब उसने इन्विटेशन को देखा। सी बिगिंस टू वीप, वह रोने लगी। हाँ, रोई तो थी। सी थ्रोज द लेटर इन द फायर, और उसने चिट्ठी को आग में फेंक दिया। आग में तो नहीं फेंका था, टेबल के अक्रॉस फेंका था। सी जंप फॉर जॉय, ये तो होगा नहीं। सी रशेस आउट टू बाय हरसेल्फ अ न्यू ड्रेस, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या हो रहा, सी बिगिंस टू वीप। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डज मिथाइल आस्क टू बाय अ न्यू ड्रेस। मिथाइल ने नए कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसे मांगे थे। तो याद करिए, कितने पैसे मांगे थे, 400 फ्रांस, 40,000 फ्रांस, 4,000 फ्रांस और 40 फ्रांस। तो 400 फ्रांस उसने डिमांड किए थे। तो आंसर क्या होगा, 400 फ्रांस। व्हाट डिड मिस्टर लुइजल वांट टू बाय विद द मनी ही गिव्स टू द मिथाइल। उसने, मिस्टर लुइजल ने अपनी पत्नी को जो पैसे दिए वो किसके लिए, वो बचा के रखा था। तो वो एक बंदूक खरीदने के लिए बचा के रखा था, एक गन खरीदने के लिए बचा के रखा था, जिससे कि वो शिकार पर जा सके। तो आंसर क्या होगा, गन। व्हाई इज एम एम लुइजल स्टिल अपसेट एज द पार्टी अप्रोचेस। मिसेस लुइजल जो थी, या मैडम लुइजल जो थी, वो अपसेट क्यों थी जैसे जैसे पार्टी सामने आ रही थी। मतलब ये कपड़े के पैसे मिलने के बाद भी वो अपसेट क्यों थी, उदास क्यों थी। तो हर ड्रेस डिड नॉट टर्न आउट द वे शी वांटेड, ऐसा तो था नहीं, वो अपने पसंद के कपड़े खरीदे थे। तो ये रॉन्ग होगा। सी डज नॉट हैव एनी नाइस ज्वेलरी टू वेयर, उसके पास कोई गहने नहीं थे। तो यही होगा कि उसके पास कोई गहने नहीं थे, इसलिए वो दुखी थी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी डज नॉट हैव एनी नाइस ज्वेलरी टू वेयर। अगला क्वेश्चन, टू हुम डज मैडम लुइजल गो टू बरो ज्वेलरी। मैडम लुइजल ने गहने के लिए, गहने किससे मांगने गई, किसके पास गहने लेने के लिए गई। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। उसकी फ्रेंड का नाम क्या था, मैडम फॉरेस्टायर। तो आंसर होगा मैडम फॉरेस्टायर, नंबर 4, एमएमई फॉरेस्टायर। व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी डज मैडम लुइजल चूज टू बरो फ्रॉम मैडम फॉरेस्टायर, किस टाइप की ज्वेलरी उसने ली। तो उसने क्या लिया था, टायरा, ब्रेसलेट, रिंग, ये सब तीनों में से कोई नहीं लिया था, वो नेकलेस ली थी। तो आंसर क्या होगा, और नेकलेस। हाउ डज मैडम लुइजल फील एट द पार्टी, ब्यूटीफुल एंड शाय। मैडम लुइजल को पार्टी में कैसा लग रहा था, वो शर्मा रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। ब्यूटीफुल एंड हैप्पी, वो सुंदर दिख रही थी और खुश थी। यही होगा आंसर, ब्यूटीफुल एंड हैप्पी। एट व्हाट टाइम डू मिस्टर एंड मैडम लुइजल लीव द पार्टी। 1 AM, नो। मिडनाइट, नो। 11 PM, नॉट एट ऑल।
4 PM तो 4 AM सॉरी 4 AM तो आंसर होगा 4 AM. What embarrasses Madame Louisel as she and her husband leave the party? जैसे ही वो पार्टी से निकलने लगे तो मैडम लुइजल को क्या खराब लगा? Her missing necklace. तो necklace तो घर जाने के बाद पता चला था कि necklace खोया है, तो ये तो होगा नहीं. Her cheap wrap. Her smeared makeup तो होगा नहीं. Her cheap shoes. ये भी नहीं होगा. तो her cheap wrap ही परफेक्ट बैठ रहा, क्योंकि वो एक कपड़ा लेके गए थे जो मिस्टर लुइजल ने मैथलाइट अपनी पत्नी को पत्नी को दुपट्टे की तरह डाला था जब वो पार्टी से लीव कर रही थी, पार्टी से जा रही थी, जो कि पुराना था, जिसे वो जिसे उसे खराब लग रहा था कि कोई उसे देख ना ले उस कपड़े में. तो आंसर क्या होगा? हर चीप रैप. व्हेन डज द एमएमई लुइजल नोटिस दैट द नेकलेस इज गॉन? उसे कब पता चला कि नेकलेस खो गया है? ऑन द स्टेप्स आउटसाइड देयर हाउस? नो, एट होम. घर के अंदर जाने के बाद जब वो शीशे के सामने देखी तब पता चला कि उसका नेकलेस गुम हो गया. तो होगा आंसर क्या? एट होम. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेकलेस व्हाट इज द सलून? नेकलेस के संदर्भ में सलून से क्या अभिप्राय है? तो सलून से अभिप्राय यहाँ पर रूम से था. सलून से क्या अभिप्राय था? रूम से. इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर इट दैट सलून रिफर्स टू अ रूम. एट व्हाट टाइम डज मिस्टर लुइजल नीड टू बी एट वर्क? मिस्टर लुइजल काम पर कितने बजे जाते थे? 7, 8, 9, 10 तो 10 बजे जाते थे. एट व्हाट टाइम डज मिस्टर लुइजल रिटर्न फ्रॉम लुकिंग फॉर द नेकलेस? नेकलेस खोजने के बाद वो वापस घर कितने बजे आए थे? तो 4 बजे तो घर आए थे, फिर नेकलेस खोजने के लिए गए थे, फिर वापस 7 बजे आए थे. तो आंसर क्या होगा? 7 AM. मैं फिर से बोलता हूँ कि 4 बजे वो नेकलेस खोजने के लिए गए थे, 4 बजे घर पहुंचे थे, उसके बाद नेकलेस खोजने के लिए गए थे और वापस रिटर्न 7 AM में हुए थे. What does Mr. Louisel recommend after a day of the necklace being missing? एक दिन तक नेकलेस नहीं मिलने के बाद मिस्टर लुइजल ने क्या सजेशन दिया, क्या राय दिया अपनी पत्नी मथाइल को? याद करिए, मिस्टर लुइजल ने कहा था कि उसको बता देने के लिए कि उसका जो हीरो का हार है थोड़ा सा टूट गया है कहीं से, थोड़ा सा कुछ हो गया है, जिसे वो रिपेयर करके वापस लौटा देंगे. तो मैडम लुइजल शुड टेल हर फ्रेंड दैट शी लॉस्ट द नेकलेस, ये तो बोला ही नहीं था. मैडम लुइजल शुड टेल द पुलिस, ये भी नहीं होगा. मैडम लुइजल शुड टेल हर फ्रेंड दैट द क्लास्प ऑफ द नेकलेस इज ब्रोकन, यही होगा आंसर. द राइट आंसर इज 3. हाउ लॉन्ग डू द लुइजल्स वेट बिफोर सीकिंग टू बाय अ न्यू नेकलेस? नए गहने खरीदने से पहले कितने दिनों तक लुइजल्स ने, मतलब दोनों पति पत्नी ने कितने दिनों तक इंतजार किया कि वापस गहने मिल जाएंगे? लेकिन कितने दिनों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि गहने खरीदने हैं? तो कितने दिन थे? अ वीक था. व्हाट डज द मैन हु सोल्ड द नेकलेसेस के स्टिल द लुइजल्स? जिसने नेकलेस का जो कवर होता है उस पे जो दुकान का नाम लिखा हुआ था, जब उसके पास गया तो उसने क्या कहा? उसने कहा था कि ही सोल्ड ओनली द बॉक्स नॉट द नेकलेस. उसने कहा कि उसने सिर्फ डब्बा बेचा था, नेकलेस नहीं बेचा था. द राइट आंसर इज ही सोल्ड ओनली द बॉक्स नॉट द नेकलेस. हाउ मच इज द रिप्लेसमेंट नेकलेस वैल्यूड फॉर? वो जो नेकलेस था, वो जो नया नेकलेस लुइजल्स ने देखा था, उसका दाम क्या बताया गया था? स्टार्टिंग में क्या बताया गया था? तो 40,000 francs उसका दाम बताया गया था, बाद में उन्होंने 36,000 francs में उसे खरीदा था. तो हाउ मच इज द रिप्लेसमेंट नेकलेस वैल्यूड फॉर? इट वैल्यूड फॉर 40,000 francs. व्हाट इज अस यूरर? यूज यूरर का मतलब क्या है या अस यूरर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि जो लोन देता है उसे अस यूरर कहते हैं. वन हु लेंड्स मनी विथ इंटरेस्ट, मतलब एक तरफ से सूद ब्याज का काम करने वाला, वन हु लेंड्स मनी विथ इंटरेस्ट इज नोन एज अस यूरर. हाउ डिड एम लुइजल कम टू पोजेस 18,000 francs? तो मिस्टर लुइजल के पास में 18,000 francs पहले से था और उसने 18,000 francs उधार लिया था. टोटल 36,000 francs में उसने नेकलेस खरीदा था. तो वो जो 18,000 francs पहले से था वो कहाँ से था? वो उसके पापा ने उसे इनहेरिटेंस में दे के गया था, एक विरासत में एक प्रॉपर्टी थी उसमें दे के गया था. तो इसका आंसर क्या होगा? ही इनहेरिटेड इट. आशा करता हूँ कि मेरा एक छोटा सा प्रयास, मेरी एक छोटी सी पहल आपको पसंद आई होगी. और भी मैं जैसा सी की वीडियोज लोड करूंगा. जो भी स्टूडेंट्स
गवर्नमेंट जॉब के लिए वैकेंसी डाल रहे हैं, स्पेशली फॉर JSSC. आई विल हेल्प दोज स्टूडेंट्स जितना हो सकेगा, मैं कोशिश करूंगा. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.